रेलवे एक नई ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन का शुरुआत 22 अप्रैल से करने जा रही है और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। भारतीय रेलवे की तरफ से गर्मी की छुट्टियों में अत्यधिक भीड़ को लेकर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सिकंदराबाद और रक्सौल के बीच एक नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह स्पेशल ट्रेन ग्रीष्मकालीन समर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी और खास बात यह होगी कि इस ट्रेन का संचालन 22 अप्रैल से चालू हो जाएगा। आसनसोल रेल मंडल के हवाले से बताया गया कि ट्रेन नंबर 07005 के साथ सिकंदराबाद से रक्सौल के बीच ग्रीष्मकालीन समर स्पेशल ट्रेन 22 अप्रैल से लेकर 24 जून तक कुल 10 ट्रिप चलाई जाएगी, जहां पर कि सिकंदराबाद से यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को सिकंदराबाद से मध्यरात्रि 10 बजे प्रस्थान करेगी और यात्रा के तीसरे दिन 4:50 पर यह ट्रेन रक्सौल पहुंचेगी। यह ट्रेन दूसरे दिशा में ट्रेन नंबर 07006 के साथ रक्सौल से सिकंदराबाद के लिए चलाई जाएगी, जहां पर कि दूसरे दिशा में यह ट्रेन 27 जून तक कुल 10 ट्रिप चलेगी और प्रत्येक गुरुवार को यह ट्रेन रक्सौल से 3:15 पर रवाना होगी और ऐसे में यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन अगले दिन 7:40 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन के रूट के बारे में बात करें तो इस ट्रेन में खास सुविधाओं के साथ यह ट्रेन विभिन्न रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। सिकंदराबाद और रक्सौल के मध्य यह ट्रेन सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, दरभंगा, समस्तीपुर, बड़ौनी, झाझा, जेसीडी, मधुपुर, चितरंजन, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, मुरी, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया के रास्ते यह ट्रेन चलेगी, जहां पर कि काजीपेट में भी इस ट्रेन का रहेगा स्टॉपेज। इसके अलावा इस ट्रेन के सुविधा के बारे में बात करें तो इस ट्रेन में कुल मिलाकर 18 कोच लगे रहेंगे, जिसमें कि सामान्य सेकेंड क्लास के साथ साथ स्लीपर और एसी के कोच शामिल किए गए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।